किसी की मदद नहीं कर रहा है, ये गरीब परिवार था, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरा खर्चा इसका उठाएगी। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी हमारे बीच में हैं, जो एक गांव गए थे, किस प्रयोजन से गए थे, हम सीधे उनसे बात करते हैं। तो सर, आज आपने अपना बहुत समय दिया, यहाँ क्षेत्र के गांव में गए हैं, तो किस प्रयोजन से गए, क्या क्या मकसद था? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरा प्रतिमंडल आया है। आज डॉक्टर राजप्रकाश सिंह जी हैं, जी साहब हैं, सारी पूरी पार्टी है। एक बड़ी दुखद घटनाएं घटी थी जी, पता है सर, उसमें हम लोग गए थे, पीड़िता के परिवार से हम लोग मिले, और इसकी जितनी निंदा की जा रहा है, उस पीड़िता की पूरा इलाज की जिम्मेदारी, उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी, और जो उसकी दिक्कतें हैं, सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी उठाएगी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार से गरीब जनता, किसान, नौजवान, महिलाओं, सबका विश्वास उठ गया है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। आज हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान अखिलेश जी की सरकार को याद कर रहा है, और ये गुस्सा जो पूरे देश और प्रदेश में है, ये